आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज मैं आपको पेट के दर्द की दवाई बनाना बताती हूँ। दवाई बनाने में ये सुहागा है, ये मोटा होता है, लेकिन मैंने ये भूनकर पीसकर पहले से ही रख लिया था। ये अजवाइन है, ये भी मैंने पहले से ही भूनकर पीसकर रख ली थी। ये हींग है, ये भी थोड़ा मैंने सेक लिया था। ये काला नमक है, हींग और काला नमक हमको थोड़ा थोड़ा लेना है स्वाद अनुसार। और ये दोनों चम्मच आप आधा चम्मच या एक चम्मच कितना भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको किराने की दुकान पर मिल जाएंगी। आप इन चारों को आप एक साथ मिक्स कर दीजिए। ये चारों चीजें हमने एक साथ मिक्स कर दिया है। बोलो। मिक्स करने के बाद ये ऐसा चूर्ण तैयार हो जाएगा। आप इसको किसी शीशी के अंदर भरकर रख लीजिए और जब भी किसी को पेट दर्द की शिकायत हो तो आप इसको गुनगुने पानी से ले सकते हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं उनको एक चौथाई चम्मच और बड़ों को आधी चम्मच। और जो साल भर से छोटे बच्चे होते हैं उनको एक चने की दाल के बराबर आप खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चे साल भर से जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध वगैरह डालते हैं और उनका दूध डालना बंद हो जाएगा और पेट का हाजमा उनका सही रहेगा। ये बिल्कुल साधारण सी दवाई है, आप इसको घर के सामान से ही बना सकते हैं और आपको बहुत इस दवाई के खाने से बहुत आराम मिलेगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। धन्यवाद। अगली बार मैं आपके लिए कुछ नया लेकर